8th के बाद 11th एंड 12th, यहाँ से आपके कई करियर ऑप्शन खुल जाते हैं और आप कई सारे कोर्सेज को कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे JEE हो गया, नीट हो गया, UPSC हो गया, इस तरह के कई सारे आप करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो कैसे स्टडी करें, उसके लिए आपको स्टडी अभी से सही से करनी होगी। तो किस तरह से करें, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि 11th और 12th क्लास की स्टडी कैसे शुरू करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ आपको करना है, बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ा विजन है, तो आपको टाइम अभी से शेड्यूल और मैनेज करके चलना आना चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर टू, डोंट डिपेंड ऑन द स्टडी ओनली स्कूल। अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ स्कूल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको उसमें आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आपका यूट्यूब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्कूल से और मैं सेल्फ स्टडी कर करके और थोड़ी बहुत यूट्यूब की हेल्प ले करके मैं कर सकता हूँ, तो सो नो प्रॉब्लम, गो ऑन, ओके। नंबर थर्ड, अब बुक्स की बारी। क्या सभी तरह के बुक्स नोट्स सब ले लेने हैं, सब पढ़ने हैं? तो नहीं, जो CBSE है आपके पास वो आपको करना है। NCERT इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नोट्स आपके जो बनाए हुए सेल्फ नोट्स वो आपको करने चाहिए, और रेफरेंस बुक, ये आप तीन चार तरह की जो है इन सभी को कंपाइल कर करके आप स्टडी कर सकते हैं, ओके। नंबर फोर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ कि आपको रट्टा फिकेशन यहाँ पे चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब आप आ गए हैं 11th एंड 12th में, ठीक है। जो 11th में 11th, जो 12th में वो 12th, यहाँ पे आपका रट्टा फिकेशन नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझने, अंडरस्टैंड करना, सिलेबस को सही से समझने हैं, और उसके बाद ही आपको फिर पढ़ना है। रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला, अब तक जो करते आ रहे हैं उसे अब आपको छोड़ना होगा, अगर आपको आगे कुछ बड़ा करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो, ओके। नंबर फाइव, प्रैक्टिस एंड रिविजन इज अ की ऑफ योर सक्सेस, ओके। तो सो डू इट कंसिस्टेंटली। नंबर सिक्स, स्टडी आपको कोचिंग स्कूल को छोड़ करके 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है, जिससे आपको रिविजन और प्रैक्टिस करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं खुद की, जिससे कि कई फायदे हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के। आपको डीप रीड करेंगे, जिससे आपको बुक समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, लिखने से माइंड में ज़्यादा याद होते हैं, वो आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम टाइम में आपका जो बनाया हुआ नोट्स है, ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, बहुत ही टाइम को आपको सेव करता है। तो नोट्स ज़रूर बनाएं और अपने नोट्स से पढ़ें, ठीक है। नंबर सेवन, कंसिस्टेंसी हो करके आपको पढ़ना है, यहाँ तक कि संडे को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको पूरा दिन संडे को नहीं पढ़ना है, हाँ, लेकिन 1 वीक का जो भी पढ़ाया गया है उसको आपको सिर्फ रिवीजन दे देना है, बस इतना ही आपको करना है। नंबर एट, स्लीप वेल, ईट हेल्दी डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, सो फिट योर माइंड एंड बॉडी, ठीक है। डू सम मेडिटेशन, सम प्लेइंग, ठीक है, इस तरह के कई सारे आपको एक्टिविटी करने हैं, अच्छे खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, हाइड्रेट रहना है, ठीक है, और घर में रहना है और सेफ रहना है, ठीक है, इस कोरोना को दूर भी भगाना है। सो ऑल द बेस्ट।